यस स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, आपका टेस्ट जो है 19 से स्टार्ट हो रहा है और किस तरह का क्वेश्चन आएगा, द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग फॉर एग्जामिनेशन, आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चंस एंड अमंग दोज क्वेश्चंस आल्सो सम क्वेश्चंस विल बी देयर इन द एग्जामिनेशन। अभी जो मैं क्वेश्चन दूंगा, 10 क्वेश्चन देता हूँ मैं, उस 10 क्वेश्चन में भी आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे। आप जो है सो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी तरह क्वेश्चन आएगा, इसी पैटर्न का क्वेश्चन होगा। आपका एग्ज़ाम 12:30 से स्टार्ट होगा, एवरीडे, संडे नहीं होगा और रेस्ट ऑफ द डे 12:30 से स्टार्ट होगा, 2:30 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। आप इस टाइम में अपना जो भी आंसर्स है वो लिख के सबमिट करेंगे, ऑब्जेक्टिव ही है। मैथ्स करने के लिए आपको हाथ में एक फेयर रफ कॉपी रखना पड़ेगा और वो रफ कॉपी में आप सॉल्व करेंगे और सिर्फ टिक कर देंगे आप, क्योंकि आपका सॉल्यूशन तो हम देख नहीं पाएंगे, देखेंगे नहीं, टिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा सही है या गलत है एंड यू विल गेट मार्क्स फॉर इट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन जो है अभी भेज देता हूँ और उसमें से कुछ सॉल्व भी कर देता हूँ और कुछ को मैं फोटो करके इसके साथ अटैच करके भेज दूंगा, आप उसको घर पे जरूर रिवीजन करना। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, हाउ मेनी हंड्रेड मेक्स ए लैक, हाउ मेनी हंड्रेड मेक्स ए लैक, हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर मान लो वन, इस मैंने उस क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मेनी हंड्रेड्स हंड्रेड मेक्स मेक्स ए लैक। अब देखिए इसका ये रहेगा, ऑप्शन रहेगा ए। अब इसके सामने में जैसे मैं लिखता हूँ हंड्रेड, बी इसके आगे एक बॉक्स रहेगा, बी आपको 1000, इसके आगे फिर बॉक्स, सी इट इज 10,000, इसके आगे बॉक्स एंड डी इट इज 1 lakh, 1 lakh इसके आगे बॉक्स। तो आपको करना कैसी है देखिए, अब ये क्वेश्चन है, अब इसको तो यहाँ बनाने के लिए मैं जगह नहीं छोड़ूंगा, तो आप क्या करेंगे, इसको रफ में सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी हंड्रेड मैक्स ए लैक, तो आप रफ वर्क किसी पेज में करेंगे, 1 lakh ये है, 1 lakh ये 1 lakh है, ये 1 lakh। अब हाउ मेनी हंड्रेड बोला है, 100 से डिवाइड कीजिए तो कितना बच गया, 1000 मेक्स ए लैक, इसका आंसर क्या होगा ये, आप इसमें सिंपली आपको टिक कर देना है, ये आपका सही आंसर है। और ये जो सॉल्यूशन जो भी आप करेंगे, कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं और कुछ होते हैं जो आपको करना पड़ता है, रफ करना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, द प्रोडक्ट ऑफ PRO use the product of the place value and face value of 7 in 8, 7, 3, 6 each। अब यहाँ देखिए चार ऑप्शन है, ए 700, बी दिया हुआ है 4200, सी दिया हुआ है 4900 और डी दिया हुआ है, इसके आगे बॉक्स, इसके आगे एक बॉक्स, डी दिया हुआ है 7000 इसके आगे। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, अब ये 8, 7, 3, 6 में 7 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 700, फेस वैल्यू क्या होगा 7 का, 7 ही होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 7, 7 का 49 और ये 100, जिसको आता है वो डायरेक्ट कर लेगा, ये 700 इसका प्लेस वैल्यू और इसका फेस वैल्यू 7, 7 का 49, इसी करके डायरेक्ट कर सकता है, इसका आंसर ये होगा, तो आप इसमें टिक कर देंगे। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस रहेंगे और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अभी भेज देता हूँ,
उस क्वेश्चन को आप जो है रिलेट करते हैं, उस क्वेश्चन को आप